समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हमें आज तारीख 26 नवंबर 1949 को आयत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर भारतीय संविधान धन्यवाद। आप बैठ जाइए। धन्यवाद साहब। साहब अभी साहब स्वागत कर रहे जो आज मानव अधिकार दिन आहे म्हणून ह्या गोष्टी मी बोलून राहिलेलो आहे। माणूस द्या म्हणजे माणूस द्या भीक मागता प्रभू दिसला असं जे भजन म्हटलेलं आहे तर मला एवढंच सांगायचं आहे माणूस किन जीवन जगावं। आपल्याला जर घटनेप्रमाणे अधिकार भान केलेले आहेत त्याचं खरं अनुपालन कसं होतो आज सामाजिक आर्थिक जगण्याचा अधिकार शैक्षणिक सामाजिक हे जे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत आपल्याला तर खरं अधिकार घटनेने जे दिलेलं आहे आपल्याला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुलाला जर भूक लागली रडलं तरच आई दूध पाजते अन्यथा पाजत नाही त्याप्रमाणे आपण जर आपल्यावर अन्याय होत असेल आपण जर त्याचा उहापोह करणार नाही समोर सांगणार नाही त्याच्यासाठी हे कायदे दिलेले आहेत। तर मित्रो आपण जो आहे मानवाधिकार याच्यासाठीच आहे त्याच्यात तुम्हाला जे आहे घटनेप्रमाणे तरतूद केलेलं आहे आपल्याला जगण्याचा अधिकार धार्मिक शैक्षणिक सामाजिक राजकारणामध्ये सुद्धा त्याच्यासाठीच आरक्षण दिलेलं आहे। तर मित्र हो आपण स्वतःला कमी समजू नये हे सगळ्यांना सेम अधिकार आहेत मोठा आहे गरीब आहे किंवा याच्यातला आहे मागासवर्गीय आहे याच्यासाठी
हे त्याच्यासाठी तरतूद केलेलं आहे, म्हणून आपण स्वतः कमजोर समजू नये। तर या ठिकाणी मला तीचे तू प्रमाण दिले अधिकारों का रक्षण करोगे और उनके अधिकारों के लिए सतत लड़ाई लड़ते रहोगे।
ये प्रण लेने का दिन होता है और इस दिन हम प्रण लेते हैं। इसलिए आज भाई मिलिंद को जब आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा मिली तो मुझे लगा कि आज बहुत इंस्टांस याद करने का दिन है, जब बाबा साहेब अम्बेडकर बड़ौदा के राज्य में एक बहुत बड़े पद पर थे और प्यून ने उनको पानी पिलाने के लिए मना कर दिया तो उन्होंने प्यून को मारा नहीं, नौकरी से निकाला नहीं। अपने अधिकारों को समझकर उन्होंने लड़ाई लड़ी और एक क्रांति पूरी विश्व में हुई। शायद अगर उस दिन वो प्यून को झापड़ मार देते तो इतनी बड़ी क्रांति से हम वंचित हो जाते, ये समझने की आवश्यकता। हमारे अधिकारों की लड़ाई, लड़ाई जब शब्द आता है तो उसमें वायलेंस नहीं आता, लड़ाई जब शब्द आता है तो प्रामाणिकता के साथ लड़ने की ताकत आप में होनी चाहिए, ये बात उसमें चरितार्थ होती है। भाई मिलिंद से मैं पिछले 4 सालों से जुड़ा हूँ। मिलिंद शब्द में 3 अर्थ छुपे हुए हैं, एक सृजनशील, एक उदार। मिलिंद की व्याख्या करते समय अगर हम मिलिंद की व्याख्या करते हैं, किसी शब्द की व्याख्या करते हैं तो उसमें ये शब्द जुड़े हैं, भावुकता, सृजनशीलता और उदारता। और मिलिंद में ये तीनों बातें मैंने देखी। वो सब्जियां खरीद के इसलिए दी कि वो सब्जियां बेच सकें और उससे जो प्रॉफिट हो उससे घर चलाएं, फिर जो पैसा आए उससे कल सब्जी खरीदें और ऐसा एक धंधा बने, ये भी रोजगार देने का तरीका है। 2-3 हजार रुपये खर्चा करके आप एक आदमी को आने वाले समय के लिए रोजगार के लिए तैयार कर सकते हो। सिर्फ नौकरी देना रोजगार देना नहीं होता, किसी को अपने पैर पे खड़ा करना भी एक रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम होता है। मुझे गर्व होता है जब मैं मीना जी को यहाँ देखता हूँ राजस्थान से आते हुए, मैं खुद राजस्थान से हूँ, मीना जी पोखरण से, तो मुझे अच्छा लगता है कि अपने अधिकारों के प्रति सजग व्यक्तित्व राजस्थान से भी यहाँ आकर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के ऊपर आयोजित जो नागपुर का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आप साक्ष बने, हर साल की तरह हम लोग प्रोग्राम यहाँ करते रहते हैं। इस साल भी प्रोग्राम करने के लिए बहुत दिक्कतें गई, फिर भी हर मुसीबत के पीछे में एक कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है, उसके माध्यम से जो नहीं होने वाले काम हैं वो भी हो जाते हैं। मार्गदर्शन के लिए माननीय अजय पात्र जी ने मुझे यहाँ बुलाया है। हमारे कार्यक्रम के जो अतिथि हैं जिनका नाम हरिओम सच्चिदानंद लहरी जी है, उनका अनुरोध करता हूँ कि एक बार आकर स्टेज पर अपना आसन ग्रहण करेंगे। संगठन का एक एजेंडा है कि सामान्य जीवन, समान अधिकार और समान अधिकार के अवसर हमें भारतीय संविधान ने दिए हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार अपने वर्णित किए गए हैं और अपने मूल अधिकारों का जतन होना चाहिए, जो हमारे आर्टिकल 13 से लेकर आर्टिकल 32 तक हमें जो फंडामेंटल राइट्स संविधान से मिले हुए हैं, अब उसमें से सिर्फ 6 बचे हुए हैं और ये 6 फंडामेंटल राइट्स को बचाने का बीड़ा केंद्रीय मानवाधिकार संगठन ने उठाया है और संगठन के माध्यम से हम लोग पूरे भारतवर्ष के अंदर काम कर रहे हैं। संगठन ने शुरुआत नागपुर से की, दिल्ली से की, मगर आज 1,75,000 संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता पदाधिकारीगण संगठन के कार्यरत है। संगठन के एजेंडे बहुत सारे हैं, जो जो हमारे एनुअल मीटिंग को अटेंड करते हैं, जो हमारी मासिक मीटिंग होती है उसको अटेंड करते हैं, छोटे छोटे हमारे जहाँ पे भी सेमिनार्स होते हैं वो जो लोग अटेंड करते हैं, उन लोगों को पता होता है कि संगठन के क्या उद्देश्य है और संगठन किस तरीके से काम कर रहा है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि संगठन में काम करते समय कि मुझे अगर कोई पद मिल गया है, जैसे कि मैं अध्यक्ष हूँ तो मैं बहुत बड़ा हूँ, वो सचिव है वो छोटा है, वो महाराष्ट्र में काम कर रहा है वो बड़ा है, जो गांव लेवल में काम कर रहा है वो छोटा है। ये जो छोटे बड़े की जो विचार है, ये विचार हमारे भी सम विचार होने चाहिए, क्योंकि संगठन का एजेंडा ही है सामान्य जीवन समान अधिकार। कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी पदाधिकारी वो सबसे पहले इस संगठन का कार्यकर्ता है, संगठन की एक नींव है, संगठन का एक तिनका है। मैं जब निकला था इस सफर पे तो मैं अकेला था, 2 हुए 3 हुए 4 हुए 5 हुए और ये कारवा ऐसा बढ़ता गया, कभी पता नहीं चला कि इतने सारे लोग मेरे साथ रहेंगे, कभी पता नहीं चला कि भारत के अंदर में करीब करीब 20-25 शाखाएं मैं शुरुआत कर पाऊंगा। ये सब हुआ परिश्रम से, मेहनत से और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से। केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के द्वारा हम लोग 22 एम्बुलेंस
लोगों के लिए हम समर्पित करने वाले हैं। और ये जो एम्बुलेंस हम समर्पित करने वाले हैं, ये एम्बुलेंस टाटा कंपनी की विंगर गाड़ी है, जहाँ पे एक सर्जन, एक अटेंडेंट, गाड़ी में स्ट्रेचर, एक व्हीलचेयर, ऑक्सीजन, एमबीबीएस सर्जन डॉक्टर, जटिल अगर कोई ऑपरेशन हो तो उस जटिल ऑपरेशन की शस्त्रक्रिया के पूरी सामग्री उस एम्बुलेंस के अंदर रहेगी। ये एम्बुलेंस नेशनल एम्बुलेंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी नामांकन है, उनके जो भी उनके नियम है, उसके ऊपर में वो खड़े होंगे, उसमें पात्र होंगे। ऐसी पूरी कोशिश और पूरी ताकत हम लगा रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे दस्तावेज कहीं ना कहीं अटक न जाए, छोटी छोटी परमिशंस कहीं ना कहीं अटक न जाए। तो हर चीज़ के लिए मुझे भागना पड़ता है दिल्ली, मगर ये COVID-19 के संपर्क करूँगा उनके वजह से मेरे पूरे प्रोटोकॉल्स, मेरे पूरे दौरे पूरे रद्द हो चुके हैं मार्च महीने से। अभी आने वाला मार्च महीना है, यानी टोटल समझ लो आप एक साल। अभी तो दिसंबर चल हो गया, दो महीने तो ऐसे देखते देखते निकल जाएंगे। लॉकडाउन के अंदर में जो जो लोग पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए सामने आने की इच्छा जताई थी, ऐसे सभी लोगों को पुलिस के तरफ से प्रोटेक्शन मिला, ऐसे सभी लोगों को लॉकडाउन के समय रियायतें मिली। मीडिया के जो हमारे कर्मी थे, उन सभी कर्मियों को अच्छी तरीके से संरक्षण मिला, प्रोटेक्शन मिला, पुलिस सहकार्य मिला, प्रशासन का सहकार्य मिला, और उन लोगों ने लोगों को खाद्य सामग्री, कपड़ों की पूर्तता की। उसके बाद ऐसे कई लोग जो नागपुर से परम प्रांतीय छत्तीसगढ़ के लिए निकले थे, वहाँ पे हमारे डॉक्टर नंदा गवड़ी साहब ने रोक रोक के लोगों को पानी, चाय, खाना, और जो पैदल निकले हुए लोग थे उनको चप्पल, साथ ही उन लोगों को 200, 500, 300 जो भी उनसे मदद हो सकती थी वो मदद देकर उन लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया। उमेश्वर भगत जी का फोन आया कि कुछ लोग मुंबई में फंसे हैं, गोंदिया के हैं, तो मुंबई की टीम को फोन लगाया गया। मुंबई की टीम ने तुरंत जो फंसे हुए लोग थे मुंबई में, उन लोगों को तुरंत प्रोटेक्ट किया, उन लोगों को खाना, भोजन, थोड़े बहुत पैसे की मदद, और उन लोगों को गाड़ी का भाड़ा देकर उन लोगों को उस गाड़ी के अंदर बिठा के, बाकायदा उसकी पुलिस परमिशन लेके, जो गाड़ी का जो पास होता है ट्रैवल पास, वो पास करा के उन लोगों को हमने मुंबई से जो लोग फंसे हुए थे, यूपी, बिहार, बलिया के लोग थे, उन लोगों को हमने, जो मजदूर लोग थे जो काम करने आए थे, उन लोगों को अपने गाँव तक पहुँचाने का काम हमने किया। जब मुझे डॉक्टर अनिश जी का फोन आया, उन्होंने बोला कि सर मेरा एक मदद करो, मतलब बोले सर कौन सी मदद चाहिए आपको, 108 लोगों को हमको खाना खिलाना है जो भूखे हैं। हमने तुरंत नागपुर मेडिकल कॉलेज में मिलिंद भाऊ कोनी पगार, हमारे मामा, सभी लोगों ने वहाँ पे व्यवस्था की हमने, और वहाँ 108 लोगों को हमने खाना परोसा। उसके बाद फिर से फोन आया मुझे अनिश जी का कि सर अब क्या करेंगे, और खाना बांटना है हमको। तो कल 11 तारीख है और कल हम और मेडिकल कॉलेज में ज़रूरतमंद लोगों को खाना बांटने वाले हैं। जेब में अगर 1,000-1,500 होंगे, अगर किसी को देंगे नहीं तब तक 1,000-1,500 वापस भी नहीं आएंगे। जब तक झोली खाली नहीं होंगे तब तक झोली भरती भी नहीं है। इसलिए जितना हम सहकार्य कर सकते हैं उतना करना चाहिए, तन मन धन जो भी सहकार्य हम कर सकते हैं वो हमने करना चाहिए। सहकार्य की अपनी भावना होनी चाहिए। संगठन के माध्यम से हम लोग आने वाले समय की इलेक्शन भी कंडक्ट करने वाले हैं। मैं 2014 में विधानसभा लड़ा हूँ चंद्रपुर से, 2019 का मैं लोकसभा इलेक्शन लड़ा चंद्रपुर से, और वापस से हम लोग राजनीति भी आना चाहते हैं, क्योंकि पेपर चलाते हुए, संगठन चलाते हुए हम उतना काम नहीं कर सकते। मगर एक बार अगर हम विधान भवन में जाएंगे, विधायक बनेंगे, अगर हम लोकसभा जाएंगे, अगर सांसद बनेंगे, तो और भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। मुझे पिछले बार सजेशन दिया था डूंगरपुर से, राजस्थान में डूंगरपुर है ना, बांसवाड़ा से सांसद के लिए मेरे को प्रस्ताव आया कि सर आप डूंगरपुर राजस्थान से सांसद के लिए खड़े हो जाइए। बहुत इच्छा थी राजस्थान से भी सांसद के लिए खड़ा होने की, मगर मेरा जो लोकसभा क्षेत्र था, मेरा जो विधानसभा क्षेत्र था, वहीं पे मैंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट करके अपना फॉर्म भरा, इलेक्शन लड़ी। समझ में आया कि इलेक्शन क्या होती है।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है कि रोज बकरी जैसे जीने से अच्छा एक दिन आप शेर बन के जियो। हमें भी अधिकार है उस ऊंचाई तक पहुंचने का। सिर्फ झोपड़पट्टी में पैदा होने वाला इंसान झोपड़पट्टी में ही रहेगा, ये सिद्धांत को मैंने तो बदल दिया है, क्योंकि मेरा भी जन्म झोपड़पट्टी हुआ, भाऊपेड़ में बचपन गया, नल में झगड़े देखे हमने, पानी के लिए संघर्ष देखा हमने, बिजली के लिए संघर्ष देखा हमने, रास्ते के लिए संघर्ष देखा हमने, दारू के लिए मारपीट देखी हमने, हमारे आंखों के सामने हमने बहुत सारे सब देखे जब हम कॉलेज लाइफ में थे, हम जब छोटे थे। आपको मालूम है एक बस्ती के अंदर में किस तरीके से समस्याएं आती है। तो आज हम बस्ती से निकले हैं और हमें मालूम है कि आज लोगों की क्या क्या समस्या है, क्या क्या पीड़ा है। उसीलिए हम संगठन के माध्यम से छोटे ना छोटा काम करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। ज्या माणसाला आज पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये यायचं आहे त्यासाठी आम्ही अधिमान्यता पत्रकार आयोगाची स्थापना केली। प्रत्येक जिल्ह्याला 16-16 दिवसाचे 20-20 दिवसाचे कोर्सेस सुरू होणार आहेत। ज्यांना ज्यांना पत्रकारितेचं जर्नलिझमचं कोर्स करायचा शिकायचं आहे, ज्यांना स्वतःला पेपर चालू करायचं आहे, ज्यांना यूट्यूब चॅनल चालू करायचं आहे, ज्यांना काम करायचं आहे, अशा सर्वांनी आमच्या ऑफिसला संपर्क करावा। सर्वांना आम्ही एक चान्स देणार, त्या माध्यमातून लोकशाहीचा जो चौथा आधारस्तंभ आहे तो बळकट होईल। पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये खरंच पत्रकारितेची नीव ठेवणारे माणसं समोर येतील। आम्ही आता टी व्ही बघतो, भरपूर सारे न्यूज चॅनल्स बघतो, भरपूर सारे पेपर पण वाचतो, पण त्याच्यामध्ये आजची खरी पत्रकारिता किंवा आजचा खरा वृत्तांत दिसून येत नाही। त्याच्यामुळे प्रत्येकाने आपली आपली पत्रकारिता चालवत असताना लक्ष दिलं पाहिजे आणि जे वृत्तांत आपण आपल्या पेपरमध्ये लिहितो किंवा आपल्या चॅनलला प्रसारित करतो ते खरंच मोलाचं असलं पाहिजे। म्हणून आम्ही KMTV ची स्थापना केली। KMTV वरती आम्ही फक्त कम्युनिटी म्हणजे सामुदायिक प्रकारचं चॅनल केलेलं आहे। तुमचे कुठलेही कार्यक्रम असले आम्ही लाईव्ह देऊ। असे कार्यक्रम का नियोजन हो, हमें महानगरपालिका से परमिशन भी मिली, सोशल डिस्टन्स का हमने पालन भी किया, मास्क सैनिटाइजर ये सभी चीज़ों का हमने यहाँ वितरण किया। इसी तरीके से कार्यक्रम का नियोजन हर बार रहता है, हर बार प्रोग्राम होते हैं। अभी COVID-19 यदि कम होता है और कम होने के बाद जैसा ही हमारा वापस आवागमन शुरू होगा तब गोवा में हमारा एक रिसॉर्ट हमने लिया हुआ है, वहाँ हमारे कंटिन्यूस प्रोग्राम रहने वाले हैं। और जनवरी फरवरी मार्च के बाद जो भी व्यक्ति गोवा में हमारे साथ काम करना चाहता है वो आमंत्रित है। हमारे कोर कमेटी में काम करने में जो व्यक्ति इच्छुक है वो भी आमंत्रित है। अभी कुछ दिन में हमारी एम्बुलेंस आ जाएंगी, एम्बुलेंस में भी ड्राइवर की जगह है, इसको काम करना है तो हमारे जो लोग हैं उनसे संपर्क करो, डॉक्टर अमर गौतम वासनिक जी से संपर्क करो वो बताएंगे आपको, हमारे डॉक्टर छंगानी जी से बात करो वो बताएंगे आपको। हर क्षेत्र में हम लोगों को लेना चाहते हैं और लोगों का भला करना चाहते हैं, लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं, लोगों को अवसर देना चाहते हैं और लोगों को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। मगर ये सब करते हुए भी कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो संगठन को खोखला करने की कोशिश करते हैं, संगठन को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, संगठन के बारे में इधर उधर बातें करते रहते हैं। उनसे इस मन से बोलना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति संगठन से जुड़ा है उसके आई कार्ड के पीछे हेल्पलाइन नंबर है, वो 24 घंटा मेरे पास रहता है, मैं सो के भी रहूँगा तो भी वो ऑन रहता है, आप डायरेक्ट मेरे से संपर्क करो। भंडारा में मेरे एक नज़दीकी व्यक्ति जब प्रोग्राम में गया था तो मिले, उन्होंने बोला कि साहब मेरा 7 एकड़ खेत है, अब मैं उसको नहीं कर रहा हूँ और मेरा परिवार भी अभी मेरे पास नहीं है और परिवार भी नहीं के जैसा है क्योंकि सभी लोग समाप्त हो चुके हैं। सर ये जगह मैं संगठन को देना चाहता हूँ, तो उन्होंने अभी जनवरी में, हमने बोला कि अभी नहीं, दिसंबर चल रहा है, जनवरी में अपन नए साल में करेंगे, 7 एकड़ की जगह संगठन को व्यक्ति दे रहे हैं और वहाँ पे हम बालकाश्रम, वहाँ पे हम वृद्धाश्रम खोल रहे हैं। तकलीफ दो ही वर्गों को है सबसे ज़्यादा, वो है वृद्ध और दूसरे है बालक। वृद्धों को आज उनके ही बच्चे पाल नहीं पा रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम वहाँ प्रोटेक्ट करेंगे। जो बच्चे रास्ते पे हैं जिनका कोई नहीं है उनको अडॉप्ट करेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहूँगा हमारे पूरी भंडारा की टीम मेरे को उस समय सहकार्य करे,
हमारे भोयर जी हमें सहकार्य करें, हमारे चौरे जी सहकार्य करें। जनवरी से कोकनी भाषा में सावंतवाड़ी और गोवा से KMTV लॉन्च हो रहा है, उसका ट्रेनिंग जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। वेस्ट बंगाल से दुर्गापुर करके गांव है, वहाँ से बंगाली भाषा में KMTV का प्रसारण हम लोग जनवरी के एंडिंग में करने वाले हैं। तेलंगाना से हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुए हैं सदन्ना, तो सदन्ना तेलुगु लैंग्वेज में न्यूज चैनल को तेलंगाना से स्टार्ट करने वाले हैं। उसी के साथ गुजरात के जामनगर से हम लोग दर्शना डाबी एडवोकेट मैडम के साथ गुजरात से भी हम लोग गुजराती भाषा में इस चैनल का शुरुआत कर रहे हैं। तो कम से कम 5 रीजनल लैंग्वेज में उसकी शुरुआत हो रही है और इस शुरुआत के लिए आप सभी का आशीर्वाद रहा है, इसलिए मैं आप सभी का एक बार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज जागतिक मानवाधिकार दिन के उपलक्ष्य में सभी जमे हुए संगठन के पदाधिकारी सदस्य आप आए ये कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में केंद्रीय मानवाधिकार TV इसका भी इनॉग्रेशन कार्यक्रम हमने साथ ही में रखे हैं। तो सर ने मेरे को जो केंद्रीय मानवाधिकार TV की जवाबदारी दी है, और केंद्रीय मानवाधिकार TV एक्चुअल में अभी क्या करने वाला है, क्या कर रहा है और फिर इन फ्यूचर क्या करेगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके पहले इसकी शुरुआत, जैसे केंद्रीय मानवाधिकार वर्तमान पत्र भी हमारा चल रहा है 12 सालों से, साप्ताहिक भी चल रहा है, आप लोग भी बहुत सालों से संगठन में काम कर रहे हैं, तो हर एक आदमी के अंदर एक कोई ना कोई कीड़ा रहता है ना, हर एक आदमी के अंदर कोई ना कोई कीड़ा रहता है। किसी को झगड़े का कीड़ा रहेगा, किसी को समाज कार्य का कीड़ा रहता, किसी को पॉलिटिकल राजकारण का कीड़ा रहता, किसी को एक्टिंग का कीड़ा रहता, और कोई कोई को एक पत्रकारिता का भी कीड़ा रहता। कि जो लोग ऐसे, उन्हें पत्रकारिता कूट कूट के भरी रहती, जब वो पेपर पढ़ते हैं तो कोई कोई अगर न्यूज पसंद नहीं आता तो झटक देते, ये क्या न्यूज लगाया, ये ऐसा होना था, ये ऐसी न्यूज लगाना था, ये दिखाना था, वो दिखाना था, लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं तो वो कौन दिखाएगा। तो इसके बारे में जब चर्चा हुई तो हमने सोचे कि जैसे कि क्यों ना प्रिंट मीडिया तो अपने पास है, क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी स्टार्ट किया जाए। तो वही प्लानिंग के हिसाब से हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी स्टार्ट किया। तो स्टार्ट हमने किया यूट्यूब चैनल से। अभी सब जो लोग बैठे हैं यूट्यूब पे KMTV अगर सर्च मारोगे तो KMTV के जितने भी वीडियो उसमें अपलोड किए गए हैं वो अभी भी आपको दिखाई देंगे। तो जैसा यूट्यूब चैनल का इनॉग्रेशन हुआ तो कैसा, बहुत सारे लोग रहते कीड़े वाले जिनको विरोध का भी कीड़ा रहता बराबर, तो वो लोग फट से क्या बोल देते हैं, ये क्या है, मेरे घर के बाजू वाले तो यूट्यूब खोला बराबर, उसके गली के पीछे वाले गली में जाओ वहां पे भी एक यूट्यूब है, पर रास्ते पे तो आज माइक लेके घूमते ही दिखते, तो ये क्या नई बात है। नई बात उनके लिए नहीं है मगर हमारे लिए है, क्योंकि वो लोग, उनको लोग बनाने में टाइम लगेगा, वो लोग बनाते बनाते वो खत्म भी हो जाएंगे, कई यूट्यूब बंद भी हो गए और कई यूट्यूब वाले आज खतरे में है बराबर, खतरे में है, एक डर में है कि कहीं मैं माइक लेके अगर गया और किसी अधिकारी ने अगर बोल दिया कि बता रहे भाई तू पत्रकार है तो तेरे पास क्या है बराबर, एक नॉर्मली कार्ड में बताएगा जिसमें आज सभी छपवाते हैं, ऊपर में पट्टी लिखी है प्रेस की, बाद में लोगो है, फिर नाम है, फिर पद है, ये है, मगर क्या RNA है उसका, RNA है उसके पास, क्या वो अधिकृत पत्रकार है, अगर नहीं है तो हम भी उस पर कभी भी क्लेम कर सकते हैं। केंद्रीय मानवाधिकार TV का जब आपको कार्ड इशू किया जाएगा, और जिनके पास भी है, कोई कोई जन के पास लटका हुआ है कार्ड है सर, वो कार्ड आप चेक करके देख लीजिए, उस पे RNA नंबर लिखा है। वो RNA का कार्ड लेके किसी भी पत्रकार भवन में अगर आप जाओगे या RNA ऑफिस में अगर आप जाओगे
तो आपको वहां पे अवश्य ही कुर्सी जरूर मिलेगी। ये डिफरेंट है, पहली बात बराबर। दूसरा कि क्या ये YouTube पे ही रहेगा कि अपने को DTH पे देना है, सिटी केबल पे देना है, देना है कि नहीं देना है ना। तो ये चीज भी संगठन के माध्यम से आने वाले नए साल में होने वाला है। आप सबका सहकार्य हमारे साथ अगर है तो यह केंद्रीय मानवाधिकार टीवी सैटेलाइट रिलीज भी होगा और अपने सिटी केबल पे भी देखेगा। जहां पे सैटेलाइट नहीं है, टीवी नहीं है, मगर एंड्रॉइड मोबाइल भी अगर है तो वहां पे अपने केंद्रीय मानवाधिकार टीवी के ऐप से अपन अपना टीवी चैनल लाइव और जो भी अपडेट है वो कभी भी देख सकते हैं। दूसरा इसका कि अभी एक संगठन के माध्यम से कई रोजगार की भी बात चल रही है कि रोजगार देंगे। बहुत से अलग कीड़े वाले लोग भी ये बोलेंगे कि क्या रोजगार इनके घर में ही बिकता, क्या कैसे देंगे, बराबर ना। तो आप सोचिए कि केंद्रीय मानवाधिकार टीवी का एक स्टेट में अगर 35-36 अगर डिस्ट्रिक्ट है, बराबर 36 डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस खुलेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में केंद्रीय मानवाधिकार टीम का काम लेंगे, 36 डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस खुलेगा। एक ऑफिस के अंदर तीन भी अगर कर्मचारी अगर रहे तो डिवाइड कर लो कितने लोगों को रोजगार मिला। एक जिले में अगर 7 तालुका है, 7 तालुके में अगर एक एक ऑफिस खुला, उसमें भी अगर तीन तीन एम्प्लॉय अगर रहे तो फिर डिवाइड करो कि कितने लोगों को रोजगार मिला। तो हम खेती शुरू की, अभी इंसानों की खेती, उनको रोजगार देने की खेती, और वही हिसाब से जो रोजगार के बारे में संगठन से बोला जाता है तो वो इस तरीके से वो रोजगार का काम इंप्लीमेंट किया जाएगा और वो पॉसिबल होगा। दूसरा कि हम अलग अलग शो बना रहे हैं KMTV के अंदर, अलग अलग शो, जैसे अभी एक हमने जिंदगी का शो बनाया जिसमें हमने इनका शो भी लगाया है, गरीब बाबा जो है इनका पहला शो हमने उस पर लगाया है। जिंदगी शो में क्या रहेगा कि आपकी भी ऐसी खुद की जिंदगी होगी कि आप जीरो से ऊपर आए हो, खूब स्ट्रगल करके आप अच्छा मुकाम खड़ा किए हो, तो आपकी जिंदगी हम बताएंगे। लोग 1,75,000 सदस्य जो हमारे हैं वो आपको देखेंगे, आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे कोई जिंदगी आए कि जो स्ट्रगल करके आई है, सही में उनकी जिंदगी अगर अपन टीवी पे दिखाते हैं, लोग अगर देखते हैं तो उनको प्रेरणा मिलेगी कुछ करने की, उनको एक नई सोच मिलेगी, उनकी जिंदगियां हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। दूसरा हम जनता गैरेज, ये और एक शो चला रहे जिसमें आपके अड़ोस पड़ोस में, बस्ती में, गांव में, शहर में, जिले में, कहीं भी कोई अन्याय अत्याचार अगर हो रहा है तो जनता गैरेज को कॉल करो, वो पूरे जो भी वीडियो है वो उस शो के माध्यम से अपने चैनल पे दिखाए जाएंगे। और आपकी जो पत्रकार का जो कीड़ा है, जो आप करना चाहते हो, वो सही मायने में ये चैनल के माध्यम से आप कर सकोगे। उसके लिए भी हमने हर एक जो हमारे पुराने कार्यकर्ता उनको कॉल लगाना शुरू किए हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रतिनिधि बनाना है, तालुका लेवल पे प्रतिनिधि बनाना है, तो ये उसका सिस्टम रहेगा। आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसका एग्रीमेंट रहेगा, आपको कीड़ दिया जाएगा, यूजर नेम पासवर्ड दिया जाएगा जो लेवल पे आप काम करोगे, और एक प्रोटोकॉल, एक सिस्टम बनाया जाएगा, वो हिसाब से आपका काम रहेगा कि आपको दोनों शस्त, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये दोनों शस्त आपके पास में रहेंगे। जो न्यूज टीवी पे चलेगी वो भी आपके पेपर में छपेगी, दोनों तरफ से अपने को सपोर्ट मिलेगा और काम सही होगा, सही होगा कि नहीं, बिल्कुल ही होगा। तो हमारी यही गुजारिश है कि जैसे केंद्रीय मानवाधिकार ने अभी केंद्रीय मानवाधिकार टीवी पे लॉन्च किए हैं और अभी ये कार्यक्रम होने के बाद में हमारे सब डिस्ट्रिक्ट में दौरे भी होने वाले हैं, तो हम वो गुजारिश करेंगे सभी जिलाध्यक्षों को कि तुरंत ही अपनी जिला कार्यकारिणी चैनल के माध्यम से बनाएं, हो सके तो अभी फॉर्मेलिटी आप ऑफिस में कर लीजिए और कार्यकारिणी बनाएं। हम आके पूरा ऑफिस स्टाफ ये सब आएंगे, वहाँ पे आपका मार्गदर्शन करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, पत्रकारिता मान्यता का आयोग का हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन है उनकी सर्टिफिकेट भी देंगे कि ये लीगल पत्रकार है, जो ट्रेनी है, ट्रेन करके अभी ये पत्रकारिता कर रहा है, तो वो हिसाब से ये सब काम हो रहा है अभी।